Wow. This is where we have come for lunch. Hello and welcome back to our beach life. So guys, it's weekend. Being Saturday, आज हम कुछ काम करने वाले हैं जो काफी टाइम से पेंडिंग थे, जैसे डेंटिस्ट की विजिट एंड आई टू गेट एन अपॉइंटमेंट फॉर माई सेल्फ. उसके अलावा हम ऑप्टिक्स पे जाने वाले हैं. वी गोना मीट सम फ्रेंड्स फॉर लंच एंड सम शॉपिंग. तो गाइज, आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है. मीट न्यू पीपल और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट. So guys, I've grabbed myself this patty and some sparkling soda. तो अभी मैं बस ब्रेकफास्ट यही होने वाला है एंड जब तक नेह फ्री होती है तब तो मैं कुछ खा लेता हूँ. A few moments later. बारिश शुरू हो गई है और आई थिंक मुझे जगह चेंज करनी चाहिए क्योंकि बारिश बढ़ रही है. एक्चुअली सब गीला हो रहा है. अभी जो मैंने आपको पीछे कुछ बोर्ड्स दिखाई हैं, दीज बोर्ड्स आर नॉट द रेगुलर बोर्ड्स. ये बोर्ड्स यहाँ पे एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए हैं, विच इज़ द बोट पार्टी. तो लोग इस बोट में बैठ के दे गो टू अ स्पेसिफिक पॉइंट. इट इज़ रम पॉइंट और स्टारफिश पॉइंट. वहाँ पे ये लोग पानी के अंदर जंप करते हैं एंड दे सी द कोरल रीफ, एक्वेटिक एनिमल्स इनसाइड द सी. सो गाइस, बारिश अब थोड़ी रुक चुकी है और पार्टी मैंने चलते फिरते ही खा ली थी एंड आई एम जस्ट लेफ्ट विद दिस. सो टाइम भी हो गया है. आई थिंक मुझे वापस चलना चाहिए टू गेट नेहा बैक एंड मुझे अपनी अपॉइंटमेंट भी एक्चुअली बुक करनी है, तो मैं वो सब कर लेता हूँ. उसके बाद हम जाएंगे अपने ऑप्टिक्स के पास. हर वीडियो बनाने के बाद हमने अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली से कुछ सजेशंस मांगे और उन वैल्यूबल सजेशंस में हमने पाया कि काफ़ी सारी डिमांड है कि हम दिखाएँ केवन आइलैंड्स के बारे में. नॉट एग्जैक्टली अ पर्टिकुलर एरिया, बट येस टू शो अराउंड द सिटी, कैसा दिखता है, मौसम कैसा है. तो गाइस, अभी मैं आपको यही सब दिखाने वाला हूँ. अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अभी बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि फ़िलहाल बारिश नहीं हो रही. थोड़ी देर पहले तक बारिश हो रही थी और इस पर्टिकुलर वेदर में जून जुलाई के टाइम पे बारिश होती है, थोड़ी देर बाद चली जाती है, थोड़ी देर बाद धूप आ जाती है. सो ये काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल वेदर रहता है इस समय और ये हरिकेन वेदर भी कहा जाता है. तो यहाँ पे फिल्मिंग इन प्रोग्रेस का साइन बोर्ड लगा है. दैट मीन्स इस समय करंटली यहाँ पे किसी मूवी की या किसी टीवी शो की शूटिंग चल रही है और ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है थैंक्स टू द कोविड फ्री एनवायरनमेंट इन द केमन आइलैंड्स. अ लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड प्रोडक्शन हाउसेज फ्रॉम द वेस्ट आर इन्वेस्टिंग इन द केमन आइलैंड्स दीज डेज. तो चलते चलते हमारी जर्नी पूरी होती है और हम पहुँच चुके हैं केमन डेंटल क्लिनिक. जल्दी से अंदर जाकर ट्राई करते हैं कि अपॉइंटमेंट मिल जाए समवेयर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो और प्रॉब्ली द नेक्स्ट वीक. When is it possible? You can get one 12 today. Not today, we have plans for today. Alright. How long does it take? They didn't last forever ever. But they will need replacing. It depends on how much kind of wear and tear that filling's gonna get. Usually you find between on average about 8 to 10 years. Yeah. It's literally just like a smooth paste, that's all. It's just like toothpaste. Kaisa lag raha hai daant chamak gaye? Kaisa experience tha tumhara? Now we are heading towards our next destination, which is Visionware, and we want to get our eyes tested today. This Tom Ford sunglasses for 735 CI, which is almost 66,000 INR. Just imagine guys. आज कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है फॉर वॉक इन कस्टमर्स, सो वी आर गोइंग टू लुक अराउंड द फ्रेम्स. Yeah, you have a key. What are the other options you want to see?
have so many options. Yeah. Something so high. My teeth are as big as a donkey. This is nice. Yeah, this is nice. This is nice. Yeah, I think this is nice. Yeah, this is nice. And it's the same bread. This is where we have come for lunch. आज क्या खा रहा है? खाना खाना हम अपना खाना ऑर्डर कर चुके हैं एंड आई थॉट कि मैं आपको ये जगह दिखाऊं. सो वी आर एट पैराडाइज पिज्जा विच इज़ लोकेटेड ऑन 7 mile बीच कॉरिडोर. इस समय काफ़ी धूप हो रही है बट आई रियली अप्रिशिएट द वे दे हैव कंस्ट्रक्टेड द आउटडोर डाइनिंग. जहाँ में हम बैठे हैं वहाँ पे बिल्कुल थोड़ी भी धूप नहीं आ रही है एंड इट्स स्टिल ओपन. सो आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्लेस. और अभी थोड़ी सी देर में आपको एक प्यारा सा सरप्राइज हम आपको मिलवाने वाले हैं. खाना खाने के बाद हम जा रहे हैं जे माइकल विच इज वन स्टॉप स्टोर फॉर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल ऑन द आइलैंड. आइलैंड पे जे माइकल का स्टोर पहले भी था बट दिस वन इज अ रीवैम्प वर्जन और ये काफी सोफिस्टिकेटेड भी लग रहा है. आई एम श्योर ऑल द मेन विल अग्री विथ मी ऑन दिस कि जब भी हम शॉपिंग पे जाते हैं एंड वी हैव लेडीज विद अस हमारी शॉपिंग 5 या 10 मिनट में हो जाती है बट दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम. डू यू अग्री विथ मी ऑन दिस? लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. इन माई वर्डिक्ट मुझे स्टोर काफ़ी अच्छा लगा. मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस स्टोर में बट ऑन द प्राइस पार्ट आई फाइंड इट एक्सपेंसिव एंड इफ आई वॉन्ट टू बाई समथिंग आई विल वेट फॉर अ सेल. ऐसी कौन सी चीज़ें जो औरतों को बहुत पसंद है बट मर्दों को नफरत है? अगर आपने अभी तक गेस नहीं किया है तो अब आप समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द मेकअप सेक्शन. जब तक नेहा अपने लिए कुछ सिलेक्ट कर रही है तब तक मैं भी कुछ परफ्यूम्स देख लेता हूँ. जैसे ये मेरे को बहुत अच्छी लगी विच इज़ एक्वेटिक काइंड ऑफ फ्रेगनेंस जो काफ़ी फ्रेश और आपको ब्रीजी फील कराती है. इसके अलावा मैंने कुछ और परफ्यूम्स भी देखी बट देर इज़ समथिंग जिस पे मेरा काफ़ी टाइम से दिल आया हुआ है बट आई एम नॉट रेडी टू बाई इट येट. मेरे पास अभी जो परफ्यूम्स हैं मैं उन्हें ख़त्म होने का वेट कर रहा हूँ. दिस वन इज़ रियली अमेजिंग. मतलब दिस इज़ गुड बॉय. इसकी तरह गुड गर्ल भी आती है जो अभी नया यूज़ कर रही है एंड सम ऑफ माई कलीग्स ऑल्सो हैव दैट. सो वेन एवर समवन इज़ वेयरिंग दैट परफ्यूम आई एम लाइक यार ये तो लेनी लेनी. नाउ नेहा इज़ ट्राइंग समथिंग एंड वेन एवर शी इज़ ट्राइंग शी इज़ 100% कॉन्फिडेंट दैट शी इज़ गोइंग टू बाय इट बट मैं दूर से बैठ के देख रहा हूँ एंड शी डज़ नॉट नो मैंने अभी उसको देखा है कि नहीं देखा. तो अब होगी थोड़ी मस्ती. आई विल प्रिटेंड कि मुझे मेकअप दिख ही नहीं रहा है. फाउंडेशन इज वेयर इज द फाउंडेशन? ओह दिस वन. या नाउ इट लुक्स गुड. यस इट्स गुड.
Are you happy with your purchase? अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है दैट मीन्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल लाइकिंग दिस वीडियो एंड शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ टिल देन टेक केयर गॉड ब्लेस बाय बाय